नमस्कार मित्रों मैं शिव कुमार चौरसिया एक बार पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ सरकार की योजना हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत है। मैं अपने चित्रों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि किस समय कौन सा कार्यक्रम रखा गया है तो सबसे पहले एक अभिभावक जो किसान के बीच में मैंने बनाया है वह घंटी बजाकर अपने बच्चों को बुलाएगा और एक जगह एकत्रित करके एक मीटर की दूरी से पढ़ने को बैठाएगा शिक्षक आएंगे अपने कोना नंबर जिनको कोना नंबर दिया है वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से बैठा लेंगे समय रहेगा दस बजे से एक बजे तक पढ़ने का और उसी बीच रेडियो कार्यक्रम भी रखा गया है ग्यारह बजे से बारह बजे तक इस कार्यक्रम के बाद शाम को पाँच बजे से साढ़े पाँच बजे तक रेडियो के माध्यम से योगाभ्यास कराया जाएगा और पाँच तीस से छात्र खेलेंगे छः बजे तक उसके बाद आते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर जो हमारे घर में ही बहुत ही रोचक तरीके से हमें करना होगा सात बजे से आठ बजे तक कहानी का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम हाँ अपने घर के दादा दादी और कोई भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम शिक्षा प्रद कहानी सुनेंगे और बहुत कुछ है उस कहानी के माध्यम से सीखेंगे तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम रखे गए हैं हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत यह सभी कार्यक्रम प्रतिदिन किए जाएंगे यह हमारा गांव है और इस गांव में ही हमारा विद्यालय लगा हुआ है शासकीय प्राथमिक शाला बहादुरपुर जे एस के बमनोरा कला जिला छतरपुर और आपका अपना साथी मैं शिव कुमार चौरसिया इस चित्र के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं और आप अपने सभी साथियों तक इस संदेश को पहुंचाएं और छात्रों को इसी संदेश के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से छात्रों की पढ़ाई को निरंतर चालू रखें एक बार पुनः आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद